नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Oppo A76 वर्सेस Poco M4 Pro का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो A76 में 6.47 इंच जबकि Poco M4 Pro में 6.29 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि 76 से कम है। विड्थ की बात करें तो A76 में 2.98 इंच जबकि Poco M4 Pro में 2.91 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि 76 से कम है। बात करें थिकनेस की तो A76 में 0.33 इंच जबकि Poco M4 Pro में 0.31 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो A76 में 189 ग्राम्स जबकि Poco M4 Pro में 179.5 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो A76 में IPS LCD जबकि Poco M4 Pro में AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो A76 में 6.56 इंचेस जबकि Poco M4 Pro में 6.43 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन A76 में 720x1612 और Poco M4 Pro में 1080x2400 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो A76 में 83.48% जबकि Poco M4 Pro में 84.64% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो A76 में 269 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Poco M4 Pro में 409 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो 76 में 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलता है। और Poco M4 Pro की बात करें तो इसमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो दोनों फोन में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो A76 में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 6 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और Poco M4 Pro में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इन्फॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो A76 में Adreno 610 जबकि Poco M4 Pro में Mali G57 MC2 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो A76 में Qualcomm Snapdragon 680 और Poco M4 Pro में MediaTek Helio G96 मिलता है। बात करें RAM की तो A76 में 6GB की RAM मिलती है जबकि Poco M4 Pro में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 6GB, 6GB, 8GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो A76 में 128GB की स्टोरेज मिलती है जबकि Poco M4 Pro में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64GB, 128GB, 128GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो A76 में 2 कलर्स जबकि Poco M4 Pro में 3 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो A76 में 1 ही वेरिएंट देखने को मिलता है,
जो कि 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 17,499 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें पोको M4 Pro की तो उसमें 3 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 6 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ 14,999 रुपीस, 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 16,499 रुपीस, 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 17,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो ओप्पो A76 में 6 फायदे और 3 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें पोको M4 Pro की तो उसमें 8 फायदे और 7 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में पोको M4 Pro आगे है, मेन कैमरा में पोको M4 Pro आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में पोको M4 Pro आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें सैमसंग गैलेक्सी A12 है, दूसरा शाओमी रेडमी नोट 10 Pro है, तीसरा ओप्पो A53 2020 है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें रियलमी 8 है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना।